24 है MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय तटरक्षक बलों ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव, 600 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ जब्त। मुंबई भारतीय तटरक्षक ने मंगलवार तड़के एक बड़े अभियान के तहत 200 किलोग्राम हीरोइन के साथ एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौका को जब्त कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरोइन की कीमत 600 करोड़ रुपए आकी गई है। इसे एक भारतीय ग्राहक को दिया जाने वाला था। तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक के नटराज ने कहा, सोमवार शाम को एक खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षकों ने पाकिस्तानी नौका अल मदीना को अपने कब्जे में ले लिया। इसके सदस्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी नौका से हीरोइन लेने की फिराक में वहां मौजूद भारतीय नौका के कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्व, खुफिया विभाग और अन्य एजेंसी को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि एक पाकिस्तानी मछली मारने वाली नौका एक भारतीय मछली मारने वाली नौका को मादक पदार्थ की एक बड़े खेप की आपूर्ति करने वाली है। तटरक्षकों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिम गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अरब सागर के जखाऊ क्षेत्र में नौकाओं को डाइवर्ट कर दिया। इससे पहले मंगलवार को एक तटरक्षक नौका ने अलहमदीना को रोका, जिसने बच निकलने का काफी प्रयास किया। इस दौरान नौका पर मौजूद सदस्यों ने मादक पदार्थ को फेंक दिया, लेकिन तटरक्षक टीम ने बाद में मादक पदार्थ को प्राप्त कर दिया। तटरक्षक जहाजों ने लगातार नौका का पीछा किया और अंधेरे के बीच मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सीमा के अंदर ही नौका को पकड़ने में सफलता पाई। नटराजन ने कहा कि तटरक्षक द्वारा मादक पदार्थ परीक्षण किट की मदद से जांच के बाद पता चला है कि यह लगभग 200 किलोग्राम हीरोइन है, जो 195 पैकेटों में मौजूद है। पाकिस्तानी नौका की बृहद पैमाने पर जांच की जा रही है और इसके सदस्यों से आगे की जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। नटराज ने कहा, बीते मार्च में तटरक्षक बल और आतंकवादी विरोध दस्ते की एक टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर गुजरात तट के पास 100 किलोग्राम हीरोइन बरामद किया था, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए। अमेरिकी वायु क्षेत्र में घुसे रूसी लाखों विमानों को UPA की सेना ने खदेड़ा। US की सेना ने खदेड़ा। अमेरिका की वायुसेना ने बताया कि उसने अलास्का के पश्चिमी वायु क्षेत्र में रूस की सेना के 4 बम वर्षक और 2 लड़ाकू विमान को रोका और क्षेत्र में बाहर निकलने तक उनका पीछा किया। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में से विमानों के प्रवेश करते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।